श्योर पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। कल हम डिस्कस कर रहे थे वनों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को वनों के प्रकार बताए थे, जिसमें लास्ट जो थे वन वो थे डेल्टाई वन। ये लास्ट मैंने बताया था, ये उस जो गंगा ब्रह्मपुत्र और कृष्णा कावेरी जो डेल्टा बनाती हैं नदियां, उस जगह पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं ना। मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है, आपको बताया था। जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा भारत में भी उसका हिस्सा है, तो उस जगह पर मैंग्रोव वनस्पति बहुत पाई जाती है। देखो वनस्पति का मैं आपको बता दूं, ये आपकी मैंग्रोव वनस्पति या डेल्टाई मैंग्रोव वन और डेल्टाई वन क्या होता है, जहां पे डेल्टा निर्माण करती है नदियां उस जगह पाए जाते हैं। लेकिन हम इन्हें जलोदभिद जलोद जलोदभिद पौधे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये खारे पानी और मीठे पानी के संगम में इस तरह की वनस्पति होती है। और जलोदभिद वनस्पति होती है वो कहीं भी पानी में, स्वच्छ पानी में भी हो सकती है, इसलिए हम इसको डेल्टाई वन और मैंग्रोव वन को जलोदभिदी तो कहेंगे, लेकिन ये कैसा है, खारे पानी वाला जलोदभिदी, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे वहीं से आगे, डेल्टाई वन खत्म हो गया था आपको, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे वनों के लाभ से। अगला जो हमारा है डिस्कस करेंगे आज हम वनों से लाभ, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वनों से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर टेट सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में जीएस में पूछा जाता है, वो आपका ये है भारतीय वन सर्वेक्षण। आपने देखो कई बार कई परीक्षाओं में आया है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, इस तरह से क्वेश्चन आता है। स्थापना कब हुई है, 1 जून 1981। तो वन सर्वेक्षण का, हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण का काम क्या है कि प्रति 2 वर्ष में आंकड़े कलेक्ट करना, सैटेलाइट उपग्रह से भारतीय वनों की स्थिति जानना कि कितनी संख्या में कहां पे वन है, और दूसरी चीज वन क्षेत्रों के मूल्यांकन के अलावा और भी इनके वनों से संबंधित फॉरेस्ट से संबंधित तमाम काम इस भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। कार्य देश के वन क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं संसाधनों के आंकड़े और सूचना का विश्लेषण करना, इसका मुख्य कार्य क्या है, देश के वन क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं संसाधनों के आंकड़े एवं सूचना का विश्लेषण करना है। मुख्यालय देहरादून है। क्षेत्रीय कार्यालय अगर पूछे जाते हैं तो 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बंगलुरु। इसमें क्या होता है, आपको पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वन सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय है, कोई भी दे सकते हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु, इनमें से एक देंगे, बाकी 3 गलत ऑप्शन देंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को माइंड में रखना है, याद करना है अच्छी तरह से कि भारतीय वन सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किसके अधीन कार्य करता है भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, किसके अधीन कार्य करता है, तो करता है पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये कार्य करता है। और इसका प्रकाशन क्या, किससे होता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका प्रकाशन होता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, ठीक है। लास्ट रिपोर्ट के मैं 2016 के जो शीर्षक था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015, उसके 16 में जो प्रकाशित हुई थी तो उसको हम बताएंगे। प्रथम प्रकाशन हुआ था 1987 में, और स्वरूप कैसा है इसका भारतीय वन सर्वेक्षण का, कि हर दूसरे वर्ष वन क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का
जो सैटेलाइट से ऊपर उनसे प्राप्त आंकड़ों का ये क्या करता है, डिजिटल, ये करता है डिजिटल विश्लेषण करता है, डिजिटल विश्लेषण का कार्य करता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कल मैंने बताया था वन क्या होता है, वह वनस्पति का वह क्षेत्र जहां व्यक्ति का प्रभाव नहीं रहता है, क्या होता है, नेचुरल तरीके से पेड़ उगते हैं और कई वर्षों तक वहां व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आज के टाइम में हर जगह व्यक्ति का प्रभाव है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, आपका जो टॉपिक है वनों से लाभ, वनों से लाभ अभी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। भारत में लगभग मैंने जीवों की प्रजातियां आपको बताई थी 90,000 से ऊपर हैं, कहीं कहीं 75,000 से भी ऊपर लिख के देते हैं, जीवों की मैं बता चुका था 90,000 से ऊपर, ठीक है, ये जीवों की थी। कहीं कहीं क्या दे देते हैं 75,000 भी दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीट पतंगे भी इसमें शामिल है, इसमें अकेली 60,000 तो कीड़ों की, कीट की 60,000 तो अकेले कीट की ही प्रजातियां हैं, इसलिए आंकड़े इसके आगे पीछे जाते रहते हैं। इसी प्रकार भारत में जो वनस्पति है, वनस्पति में क्या होता है, पेड़ होते हैं, झाड़ियां होती हैं, लताएं, बेलें होती हैं, पौधे होते हैं, सब कुल मिला के पेड़ों की 45,000 से अधिक प्रजातियां हैं। इसको इरेज करता हूं, फिर क्रम से ये नोट कर लेना, क्रम से आपको लिखवाऊंगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय वन सर्वेक्षण, एक क्वेश्चन एक नंबर का आना ही आना है, इसलिए इस टॉपिक को सबसे पहले इसमें कराया गया है, ठीक है। वनों से लाभ, इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या, भारत में लगभग भारत में लगभग 45,000 से ज्यादा, कितनी, 45,000 से ज्यादा वनस्पति, वो सीधे सीधे लिख देंगे, की प्रजातियां हैं, 45,000 से ज्यादा वनस्पति की प्रजातियां हैं, जिनमें क्या होता है, देखो इनमें पेड़ भी शामिल हैं, ठीक है, छोटे पौधे भी शामिल हैं, झाड़ियां भी शामिल हैं, और झाड़ियों के अलावा आपके लताएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेल, क्रीपर्स, लताएं भी शामिल है, सभी चीज, छोटे मोटे पेड़ पौधे सभी शामिल हो जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने, 45,000 से अधिक वनस्पति की प्रजातियां हैं, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार देखो, पेड़ों के लाभ अगर आते हैं तो पेड़ के लाभ में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक पेड़ का लाभ जो आज की सिचुएशन से बहुत ही मैच खाता है, जो आज कंडीशन अपने देश में चल रही है उसे बहुत ज्यादा मैच खाता है। तो एक अनुमान है भारतीय वन सर्वेक्षण का, यह एक अनुमान के अनुसार, नोट डाउन करेंगे आप लोग, एक अनुमान के अनुसार एक 50 टन मध्यम आकार का पेड़, कितना, 50 टन मध्यम आकार का पेड़, एक मैं एक वनलाइनर की तरह लिख रहा हूं और पूरी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लूंगा। 50 टन मध्यम आकार के पेड़ से लाभ, मैं आपके पूरे वन का लाभ आप अपने आप समझ जाओगे, जब एक 50 टन के मध्यम आकार का पेड़ होता है, जैसे नीम होता है अपना, बाहर खड़े हुए पेड़ देखे होंगे, ये भी बताएंगे प्राकृतिक वन जो आपको बताए थे,
और इधर वाले जो हम लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनमें उनमें उन्हें वन तो नहीं कह सकते, लेकिन वह प्राकृतिक वनों को बचाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। अगर हम लगाएंगे तो प्राकृतिक वनों पर बोझ कम पड़ेगा, जो हम अपने यूज के लिए ही उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक 50 टन का मध्यम आकार का पेड़ जो होता है लगभग अपनी 50 वर्ष तक की उम्र में आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कितना लाभ दे जाता है। 15,70,000 रुपये अपनी 50 वर्ष तक की उम्र में लगभग 15,70,000 रुपये का लाभ दे जाता है। वनों का महत्व समझ रहे हो, वनों के लाभ समझ रहे हो, तो वनों के लाभ समझने से पहले एक पेड़ का ही लाभ समझ लो। 50 टन मध्यम आकार के पेड़ से लाभ, नंबर एक अपनी 50 वर्ष तक की उम्र में लगभग 15,70,000 रुपये का लाभ दे जाता है। और ये लाभ अलग अलग तरह से इंसान इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें क्या होता है, पूरे लाभ में क्या होता है, फर्स्ट आपका बेनिफिट दे जाता है ये कम से कम 2.5 लाख की ऑक्सीजन, कितने 2.5 लाख की तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन की कितनी बड़ी विकट संकट ऑक्सीजन का छाया हुआ है। ये यही कारण है कि ऑक्सीजन का विकट संकट इसलिए छाया हुआ है क्योंकि पेड़ काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन बन गई कि कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन प्यूरीफायर तैयार करने पड़ रहे हैं, जो हवा को प्यूरीफायर करके ऑक्सीजन को बना तैयार करते हैं। तो अगर वृक्ष सही सलामत बने रहें, पेड़ लगते रहें, तो इंसान स्वस्थ रहेगा। हल्की सी थोड़ी प्रॉब्लम होने पर इंसान में ऑक्सीजन को लगाना पड़ता है। तो मींस एक 50 टन का मध्यम आकार का पेड़ अकेला 50 साल की उम्र में 2.5 लाख की ऑक्सीजन 2.5 लाख की ऑक्सीजन उपलब्ध करा जाता है। उसके बाद में आपका आता है 2.5 लाख रुपए का ही भूमि कटान रुपए भूमि कटान नियंत्रण भूमि कटान नियंत्रण जो सरकारें या कोई भी इंसान अपने फावड़े या कृत्रिम तरीके से भूमि का कटान रोकता है, वो अकेले पेड़ 50 साल की उम्र में 2.5 लाख का उसका उसकी बचत कर देते हैं। अगर ये लगा दिया जाए तो भूमि कटान नियंत्रण इसको ये करता है। उसके बाद में नंबर थर्ड, 3 लाख का कचरा जो होता है, 3 लाख का कचरा जो उन्हें बनाता है, उर्वरकता बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि प्राकृतिक परिवेश में जो जंगल होते हैं वहां उनके पत्ते गिरते रहते हैं, ऊपर से लकड़ियां कुछ भी गिरती रहती हैं जमीन में, जो अपघटक होते हैं कीट पतंगे या छोटे जो जीव रहते हैं जमीन में, वो उनको खा करके ह्यूमस तैयार कर देते हैं, तो इस तरह से उर्वरक हो जाती है वो जमीन। यही कारण होता है कि नदी या उसके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उर्वरक होती है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारा उर्वरकता बह के आती है, जिसमें पेड़ पौधे सड़े गड़े उनकी खाद बन के तैयार हो जाती है। अगला है 3 लाख के कचरे को पुनः 3 लाख के कचरे को पुनः उपयोगी बनाता है। वनों के लाभ से आप अपने आप समझ में आ जाएगा, जब एक पेड़ का लाभ आप समझ जाओगे तो वनों के लाभ को आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है,
आपका फोर्थ नंबर है वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने यहाँ है, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा वन होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण का अपने आप 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए वायु प्रदूषण नियंत्रण, वायु प्रदूषण चार दशमलव पांच लाख रुपए वायु प्रदूषण नियंत्रण करता है। एक पेड़, केवल एक पेड़ की कीमत, और इसमें अन्य लाभों में 3.5 लाख रुपए के अन्य लाभ, तमाम लाभ हैं, देता है। 3.5 लाख रुपए के अन्य लाभ देता है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र होते हैं, उनके पास खुद के रहने के लिए केवल झोपड़ी होती है, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए वो पेड़ों के नीचे या मिट्टी, वो सॉरी धूप वगैरह और से बारिश से बचने के लिए कुछ पेड़ होते हैं उनके नीचे अपने जानवरों को सहारा देता है। तो इस तरह से अन्य लाभों में बहुत सारे लाभ आ जाते हैं। तो वनों के महत्व में सबसे पहले आपने समझा भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में, दूसरी वनों का लाभ के बारे में। भारत में लगभग 45,000 से ज्यादा वनस्पति की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियां सब शामिल हो जाती हैं। अब पूरे वृक्षों, पूरे वन का लाभ समझने से पहले आपने एक पेड़ का लाभ समझा, और इसमें आगे फिर बताते हैं थोड़ा सा, पुराने आंकड़े हैं 2018 से पहले के, उनको मैं आपको बताता हूं, आप इनको तब तक देख लो, इरेज करता हूं। आगे आपको बताएंगे भारत में कितनी भूमि की, भूमि पर वन की आवश्यकता है और अभी वर्तमान में कितना चाहिए। तो जिस देश में, जिस देश में या जिस जगह पर जितने पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे, उस जगह पर उतनी ही कम बीमारियां होती हैं। मैंने क्लास में ऑफलाइन बताया था, भूटान बहुत गरीब देश है, लेकिन वन क्षेत्र के मामले में बहुत ही रिच है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है 60% भूमि वहाँ पे तो चाहिए, वहाँ वन चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, और 60+ उनके यहाँ अभी भी वन क्षेत्र है, पेड़ पौधे हैं। यही कारण है कि वहाँ पे गरीब होते हुए भी खुशहाली है, बीमारियाँ कम है, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी वर्तमान समय में कम हो गया होगा थोड़ा सा वन क्षेत्र, तो क्या है, हम लिख सकते हैं भारत के पास भारत के पास लगभग 92,027 क्या है वर्ग किलोमीटर वनाच्छित भूमि है, वर्ग किलोमीटर वनाच्छित वनों से लदी हुई भूमि है, कितनी 92,027 वर्ग किलोमीटर वनाच्छित भूमि है। वनाच्छित भूमि है जो कुल भूमि का मात्र कितना, जो कुल भूमि का मात्र, ये क्वेश्चन है अंडरलाइन कर दे रहे हैं, 23% पॉइंट में लगा देंगे 11% है, 23.11% मीन्स भारत के पास 92,027 वर्ग किलोमीटर वनाच्छित भूमि है, जिसमें जो परसेंटेज में निकालोगे तो मात्र 23.11% है, कितनी 23.11% है। लेकिन क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है, पर्यावरण मंत्रालय का लक्ष्य है, कितना होने चाहिए
वनाच्छित भूमि कितनी होनी चाहिए, जो होना चाहिए एक्चुअल में इंडिया के अंदर जो जरूरी है वो आपके जो लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य कितने परसेंट भूमि पर वन होने चाहिए, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए दो अलग अलग क्षेत्र उन्होंने डिसाइड किए हैं कि मैदानी क्षेत्र पर कितने परसेंट वन होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र पर कितने परसेंट वन होने चाहिए। इस लक्ष्य से हम कोसों पीछे हैं, क्योंकि जितने जितनी तीव्र गति से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं उतनी तीव्र गति से हम पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं। क्या होता है, अभी आपने देखा एक पेड़ का महत्व कितना होता है, एक 50 टन का औसत पेड़ 50 वर्ष में अपने जीवन काल में 15,70,000 रुपए का लाभ करके जाता है। तो सोचो ये वन संपदा है तो वन से कितने लाभ होते होंगे पूरे वनों को अगर, तो यही कारण है कि अंधाधुंध कटाई करते चले जा रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र में लक्ष्य है कि मैदानी भागों में 33% वन होने चाहिए, मैदानी भागों में कितने 33% वन रखना अनिवार्य है, ये लक्ष्य है। अगर इससे कम अगर आंकड़ा चला गया, अभी तो बहुत कम है, और इससे भी नीचे चला गया तो यहाँ पर देश में अभी तो कम संकट है, बहुत ज्यादा संकट, हर जगह पर बीमारियां ही बीमारियां होंगी, क्योंकि आपने वो स्लोगन सुना होगा वृक्ष धरा के हैं आभूषण करते हैं ये दूर प्रदूषण, हर जगह लिखे होते हैं लेकिन ये स्लोगन ही रह गए, नारे ही रह गए हैं। देखा होगा वृक्षारोपण प्रोग्राम होते हैं, बहुत सी संस्थाएं आती हैं, बहुत से नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पेड़ लगा जाते हैं, उसके बाद में उसमें पानी नहीं दिया जाता है। क्या होता है, ये दिखावा छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति को 2-4 पेड़ हमेशा लगाने ही चाहिए। और कभी कभी कहते हैं कि सामने वाला कह तो देता है लेकिन लगाते नहीं है, तो ये सामने वाले की सोच है, आप कोई लगाए या ना लगाए, अगर हम अपने यहाँ भी लगाएंगे तब भी वृक्ष बढ़ जाएंगे, जिनके यहाँ जगह नहीं है पक्के में रहते हैं अपने छत पे लगाएं, वैसे पेड़ लगाएं, वो तो पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में क्या है 68% वन होना चाहिए, तो यही अगर इतने परसेंट वन आपके मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में रहेंगे तो प्रदूषण बहुत ही ना मात्र के हो जाएगा। दिल्ली में आप देखते हो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं खत्म होती हैं तो वो कोहरे की चादर नहीं, वो पूरे में पूरे दिल्ली एनसीआर में क्या है धुंध छा जाती है, धुआं होता है, प्रदूषण होता है वाहनों का। अगर वृक्ष की संख्या या परसेंटेज अलग हो जाएगा तो फिर उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, अब आज की बात करते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं ऊपर से। आज का स्तर देखते हुए आज कितनी जरूरत है, आज का स्तर देखते हुए प्रति व्यक्ति कितना 0.47 हेक्टेयर, कितना आज का स्तर देखते हुए 0.47 ऐसे लिखेंगे, 0.47 यहां से देखो आज का स्तर देखते हुए प्रति व्यक्ति 0.47 हेक्टेयर, 0.47 हेक्टेयर वन भूमि चाहिए, भारतीय वन सर्वेक्षण के हैं, प्रति व्यक्ति कितना 0.47 हेक्टेयर वन भूमि चाहिए, प्रति व्यक्ति इतनी हेक्टेयर भूमि में
निवास करे तब वह स्वस्थ रहेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, चाहिए इतनी और रह कितने में रहे, और जो अभी है वर्तमान में कितनी, वर्तमान में केवल 0. वर्तमान में केवल प्रति व्यक्ति 0.9 हेक्टेयर भूमि ही है, 0.9 हेक्टेयर भूमि में प्रति व्यक्ति में इंडिया में निवास कर रहे हैं। क्या है ये, बहुत ही कम है, जबकि चाहिए कितनी, 0.47। आज के समय का मैं बता दूं, प्रैक्टिकली आपने देखते ही देखते पेड़ों को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने, एक समय था आप हाईवे पे निकलते थे तो हाईवे के किनारे दोनों ओर बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते थे, जिनमें इमली के भी होते थे, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी लगी होती, नीम के होते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि होते हुए तो उनको रोडों को, जो सड़कें थी उन्हें चौड़ा करना पड़ा, और जिस वजह से उन पेड़ों को काट दिया गया। लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्लान होने चाहिए कि जिससे कि वो पेड़ सलामत रह जाए और रोड सड़कें भी वहां से निकल जाए, लेकिन क्या है इस तरह से वो नहीं किया जाता, उनके बगल के सभी पेड़, आसपास के पेड़ सब काट डाले गए हैं, जो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। देखो क्या होता है अगले टॉपिक में, ये तो क्वेश्चन आपके बन ही गए हैं। अब अगले टॉपिक में आपको मैं केवल 5 लाइनें लिखा दे रहा हूं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वन क्यों काटे जा रहे हैं उसकी 5 लाइनें आप लिख लो, नोट कर लो, उसके बाद कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वनों के कटान के कारण क्यों काटे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कमी होने के कारण, कमी होने के कारण। पहला है, एक पूछ लेते हैं कभी कभी, बांध एवं, पहला ही आता है सड़क निर्माण, क्या है, बांध एवं सड़क निर्माण। दूसरा जो कारण है वो क्या होता है, व्यापारिक फसलों का उत्पादन, अमेरिका में जो प्रेरीज मैदान थे वो सब साफ कर दिए और गेहूं मक्का वहां पे बहुत ज्यादा उत्पादित की जा रही है। वनों के विनाश के ये 2 कारण है। तीसरा कारण आपका है, तीसरा कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां, सरकार की दोषपूर्ण नीतियां, ये भी वनों के विनाश के कारण हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वनों के विनाश के कारण हैं, तो मैं आपको कारण जो भी हैं वो आपको लिखवा दे रहे हैं। इसमें ये वाला पूछा जाता है, स्थानांतरित खेती, सीटेट पढ़ने वालों ने खूब देखा होगा, जिसे क्या कहते हैं, झूम खेती, क्या करते हैं, पेड़ों को जला के वहां पे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, वहां खेती कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उनको जला देते हैं, तो फिर ये झूम खेती भी वनों के विनाश का कारण है। नंबर 5, वनों में आग लगना, ठीक है। नंबर 6 है, सभी आप लिख लेंगे, विभिन्न उपयोगों के लिए पेड़ों को काटना, तमाम उपयोग होते हैं उनके लिए काटना, कभी बल्ली बनाना, कभी फर्नीचर के लिए, कभी किसी चीज के लिए, तो ये भी विनाश का कारण है।
नंबर सेवन है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर सेवन है कीड़ों ऑब्लिक बीमारियों से हानि। कीड़े बीमारियां भी लग जाता है तब भी कभी कभी उनमें हानि हो जाती है, ठीक है। आज आपने देखा वनों से क्या लाभ होते हैं और वनों के काटने के क्या कारण हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, वनों से और क्या लाभ होते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो।